हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे ऑफ आर प्लेलिस्ट मैट्राइसेस। और आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। और हम आज ये पढ़ेंगे दैट हाउ वी कैन लोकेट द एलिमेंट्स और एंट्रीज बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली देखिए, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर इफ़ देर आर हाउ मैनी रोज, आर नंबर ऑफ रोज, आर रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स, सी कॉलम्स। यानी एक इफ दे एक किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आर रोज हों और सी कॉलम्स हों इन अ मैट्रिक्स, ठीक है, देन वॉट, देन द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज बेसिकली लिखा कैसे जाता है, ओ ऑर्डर ऑफ ए, यानी दैट मैट्रिक्स ए बेसिकली इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और पढ़ा कैसे जाता है, रो बाय कॉलम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू रेडिकल 3 माइनस 5 0 और माइनस 5, ये ऑर्डर है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज आर देयर, देयर आर 2 नंबर ऑफ रोज, ओके, एंड देयर आर 2 कॉलम्स। तो दो रोज और दो कॉलम्स हैं यहाँ पर। हाउ मैनी रोज, 2 रोज आर देयर, 2 रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर, 2 कॉलम्स आर देयर। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, द ऑर्डर ऑफ ए आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 2। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2 बाय 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना, 2 बाय 2। देखिए एक और बार रिपीट करता हूँ, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर इफ देयर आर आर नंबर ऑफ रोज एंड सी नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, देन द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज रिटन एज रो बाय कॉलम। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आर रोज हैं और सी कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, रोज इंटू कॉलम या रोज बाय कॉलम पढ़ा जाता है। यानी यहाँ पर आप देखें, मैंने एक एग्जांपल ली इसकी जिसके अंदर दो रोज थी और दो कॉलम्स थे, तो मैंने इसका ऑर्डर लिखा 2 बाय 2 बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह हम ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट ऑर्डर जब आप लिखते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर आप लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स, मान लीजिए ए का लिखते हैं 2 बाय 2, तो ये ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको आप कर दें 4, ऐसा नहीं कर रहिएगा, ये गलत है, क्योंकि ये आपको बताता है कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ना कि हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं कि ये 2 into 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, हमेशा ऑर्डर के अंदर पहले नंबर ऑफ रोज आएंगी फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगी, ऐसे आप नहीं लिख सकते। इट इज़ रॉन्ग टू राइट दैट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू कॉलम इन टू रो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हमेशा जब हम ऑर्डर लिखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, दैट विल बी रो मल्टीप्लाइड रो बाय कॉलम। ओके, तो पहले रोज नंबर ऑफ रोज लिखेंगे फिर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये रिप्रेजेंट करता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और छोटी सी इसकी मैं एग्जांपल अभी आपको समझा देता हूँ, लेकिन पहले हम ये टॉपिक करते हैं दैट लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एंट्रीज। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो मैं एक जनरल फॉर्म ले लेता हूँ मैट्रिक्स की, मैं एक जनरल फॉर्म ले लेता हूँ, व्हाट जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 बाय 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स, यानी जनरल फॉर्म ऑफ ऐसा ऑफ अ मैट्रिक्स जिसके अंदर दो रोज हैं। याद रखिए आपने अभी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा, तो दिस फर्स्ट वन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड द सेकेंड वन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। याद है ना, ये भी आपने इसी वीडियो में हमने शुरू में सीखा। तो अगर हम लोग जनरली मतलब ये मैट्रिक्स बनाएंगे, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, तो ये क्या बनेगा, दो रोज होंगी इसके अंदर और कितने कॉलम्स होंगे, दो ही कॉलम्स होंगे इस मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के अंदर जो कि जनरल फॉर्म में है। इसके एलिमेंट्स मैं मान लेता हूँ A11 है, A12, A13, A21 और A22।
ये जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आप ये परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार ये A11 A12 ये क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपके पास ये नंबर ऑफ रोज़ हैं, ठीक है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, और इसी तरह ये कॉलम्स हैं, यानी ये है कॉलम नंबर 1 और ये है कॉलम नंबर 2। हमने पढ़ा ऑर्डर किसके बराबर होता है, रो इनटू कॉलम। तो आप देखिए, आप एलिमेंट्स को किस तरह आइडेंटिफाई करती हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A11, अच्छा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो A12, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21, और इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी A22। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आप बोलूँ इस मैट्रिक्स में A22 को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे 22 का मतलब क्या, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आप इस एलिमेंट पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह हम लोकेट करते हैं एलिमेंट्स को और एंट्रीज को मैट्रिक्स के, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, वो क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो ये दो एलिमेंट्स हैं यानी A11 और A22, ये क्या कहलाते हैं, A11 और A22, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास AXX, लिख देता हूँ जैसे एग्जांपल में, कि आपके पास जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ना ये कहलाते हैं डायगनल एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं डायगनल एलिमेंट्स, ओके। और ये डायगनल एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है, मान लीजिए B एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर आपके पास जो डायगनल में एलिमेंट्स मौजूद होंगे इस तरह, ये जो डायगनल में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दीज आर कॉल्ड डायगनल एंट्रीज, या इसको आप डायगनल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसको आप लीडिंग डायगनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगनल या मेन और प्रिंसिपल डायगनल भी कहा जाता है, ओके। लीडिंग डायगनल, मेन डायगनल या फिर प्रिंसिपल डायगनल भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली इस तरह आपको मैंने अभी समझाया दैट हाउ वी कैन लोकेट एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, और मैंने आपको समझाया दैट व्हाट हाउ कैन वी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास आर नंबर ऑफ रोज हों और सी नंबर ऑफ कॉलम्स हों। अब इसकी हम छोटी सी मिसाल और भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बेसिकली, जिसके अंदर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ एक्स, जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं 1, 5, -3, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 1, 2, 3। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर ये आता होगा दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो देखिए इसमें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, देयर आर 3 रोज़ एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, देयर इज ओनली 1 कॉलम। तो अब आप बताइए द ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, द ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ रोज़ यानी 3 बाय द नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी के 1। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो अगर कभी भी आपको कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा ना, तो यू कैन टेल हिम दैट हाउ मैनी नंबर ऑफ़ रोज आर देयर एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर, ठीक है। याद रखिए द फर्स्ट एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रोज एंड द सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी दैट हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड हाउ वी कैन लोकेट द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गया हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।